हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिशन 2021। तो आज का वीडियो स्पेशली हिमाचल प्रदेश एमसीक्यू पर जो भी है, हम हिस्ट्री का हमारा स्टार्ट हो रहा था ऑलरेडी, जो कि पार्ट 5 है जो आज आपको मिल जाएगा इवनिंग। उससे पहले हम हिमाचल पर भी लेकर आए हैं और हैप्पी न्यू ईयर 2021। जी हाँ, स्टडी दर्पण की ओर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप अपने गोल को 2021 में फिर से अचीव करेंगे और जो कोरोना के कारण 2020 में दिक्कत आई थी, अब भगवान करे उससे ज़्यादा खुशियां आपको 2021 में दे। तो जी हाँ, स्टडी दर्पण के तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़। अब जो हम आपको आज बताते हैं कि हम बहुत जल्द ही UGC नेट हिस्ट्री, जी हाँ JRF, इसके नए हम कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सिर्फ हम 10 स्टूडेंट ही इसमें हम एडमिट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस UGC नेट पर ना होकर बल्कि JRF पर होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा 35,000 to 40,000 इसकी स्टार्टिंग है जो बच्चे को JRF के रूप में बच्चे को जो मिलता है रिसर्च के लिए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जल्द हम जनवरी में लेकर आएंगे इसको। और सेकेंड ऑफ ऑल, जी हाँ, जो हमने दिसंबर में और लास्ट ईयर 2020 में हमने आपसे प्रॉमिस किया था CAPF एग्जाम के लिए, तो इसमें भी हम 10 बच्चे ही एडमिट करेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटली फोकस होगा वो वन एंड ओनली सिलेक्शन पर होगा, ना कि सिलेबस करवाने के ऊपर। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, किस तरीके से होगा, आप जल्दी से जल्दी हमें बता सकते हैं जो भी बच्चा इसके अंदर इंटरेस्टेड होगा। कुछ बच्चों के ऑलरेडी पहले आ चुके हैं कि कुछ बच्चे हैं इसके अंदर इंटरेस्टेड, लेकिन हमने टोटल इसमें 10 करने हैं और जो टोटल बच्चे होंगे उसमें से हमने छांट के जो भी हमको बेस्ट लगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना एजुकेटेड हो या कितना ज़्यादा आप चाहते हो कि हाँ जी हम फीस दे देंगे। हमारा फीस पर फोकस ज़्यादा ना होकर हमारा मेन फोकस होगा उन पैशनेट स्टूडेंट पर जिनको हर हालत में अपना गोल अचीव करना है 2021 में। तो जी हाँ, तो हम ये दो स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द HAS के लिए, नायब तहसीलदार के लिए और एलाइड सर्विसेज के लिए हम छोटे छोटे कोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप होंगे, बट आपको मेन स्ट्रीम में ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे, एफिशिएंट होंगे। तो चलते हैं हम आज के वीडियो में। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, चलते हैं अपने अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वॉज एस्टैब्लिश, जी हाँ, जहां पर आप आज की डेट में शिमला में IIAS देखते हो, वो किस साल स्थापित हुआ था? तो आप क्या कहें, चार ऑप्शन, 1962, 1965, 1958 और 1956। जी हाँ, जो इसका एब्सोल्यूटली राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1965। जी हाँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी है, यहाँ से उन्होंने कुछ साल रिसर्च भी की थी जो कि म्यांमार की आज की डेट में बहुत बड़ी लीडर है, आंग सान सू की। तो यही है, 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, कई बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि सर आप हिंदी में भी लिखा करो या हिंदी में भी बताया करो। तो मैं देखिए जितना हो सके ऐसे, जैसे अगर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा टफ है इंग्लिश लैंग्वेज में तो मैं साइसल लिख भी देता हूँ, लेकिन बहुत ईजी है तो मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। अगर कुछ दिक्कत आई जाती तो मैं इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। तो आपके आगे चार ऑप्शन है, 27, 25, 32 या 50। जी हाँ, इसका आप बिल्कुल ऑप्शन है। देखिए, आप कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे कमेंट में हमें लास्ट में जरूर बताया करो, ताकि हमारी टीम को समझ में आ पाएगा हाँ जी मैक्सिमम बच्चों का क्या लेवल चल रहा है। और आप बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं, आप जरूर देखा करिए इसकी, और शुरू से लेकर लास्ट तक आप बिल्कुल जो भी आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब वो है आपका ऑप्शन सी, 32। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, कई बार इजी क्वेश्चन भी डालने होते हैं, बात आती है सर इतना इजी क्यों। देखिए, सिर्फ वही बच्चे इसके अंदर तो नहीं एडमिट हो रहे जो वेटरन है, बल्कि वो भी हैं हर साल जो न्यू स्टूडेंट जो अभी अभी ग्रेजुएशन करने के बाद इन एग्जाम को फिल करते हैं, फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो कुछ उस क्वेश्चन उनके लिए भी अवेलेबल। जी हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर सुतलज रिवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। Which district was the highest literacy rate in हिमाचल प्रदेश, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसको जानते होंगे जो न्यू कमर है। अगर वो नहीं जानते तो डोंट वरी, बिकॉज दिस इज द इनिशियल स्टेज, ठीक है, फॉर यू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है यहाँ पर हमीरपुर में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, जी हाँ ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, लेकिन जी हाँ ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चे जानते होंगे इसको, मंतलाई, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट, जैसे कि सबको पता होगा। देखिए हम बहुत जल्दी से कोडिंग डिकोडिंग में लाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो जीके है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या कई बार 30 क्वेश्चंस की जैसे जीके आ गई, अब लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सर 20 आ गए तो इनफ है। नहीं, आपके 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए मिनिमम, ताकि और क्वेश्चंस और सब्जेक्ट आपका वीक भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है हिमाचल जीके और करंट अफेयर, जिसके लिए हम स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे बैच में स्टूडेंट है उनके लिए एब्सोल्युट फ्री रहेगी, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी 100 से लेकर ये हमारे जो कोर्सेज चलेंगे 8000 तक चलेंगे। तो आपको जो भी PDF मिलनी होगी इसमें 100 रुपये से 500, जी हाँ 100 से 500 रुपये में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ अवेलेबल होगी, और आपको डे बाई डे जो भी करंट की चीज़ें होंगी वो भी पुख्ता उसकी आपको मिलती चली जाएंगी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा जेठ पाल, जी हां ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए सबसे बड़ी बात है एग्जाम निकालना, एग्जाम निकालना जो है वो पढ़कर कभी एग्जाम नहीं निकालना, इसलिए ट्रिक होती है। मैक्सिमम बच्चे क्या है जो 2 से 10 नंबर तक रुक रहे हैं, तो जो हम वीडियो दे रहे हैं वो दैट्स इनफ फॉर यू। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं भैया जिनका 20 या उससे ज्यादा से नंबर रुकता है। प्रीलियम्स में 20 से ज्यादा नहीं बल्कि मेंस की बात चल रही है, और प्रीलियम्स में अगर आपका भैया 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर से ज्यादा नंबर आपके रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है। और एग्जाम निकालना, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, एग्जाम निकालना और एक आर्ट है, तो इसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमें दो। हम 10 बच्चों की तो हम हमेशा हर चीज में लेते हैं, क्योंकि बात आती है देखिए हम ऑलरेडी हमारा जो स्टाफ है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, एक दो दूसरे टीचर हैं और बाकी मैं भी गवर्नमेंट में आ जाता हूँ। लेकिन बात यह आती है पैसे लिए काम नहीं चल रहा, ये काम चल रहा है उस मुकाम पे ले जाने के लिए, ताकि आप भी जब सक्सेस हो जाएं तो आप भी उन लोगों की और मेहनत करें जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट इज द गसोता फेयर एसोसिएटेड, जो गसोता फेयर है वो कौन से, अगर बात की जाए एसोसिएटेड है किस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, तो जी हाँ आपको पता होगा जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, जी हाँ हमीरपुर इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच माउंटेन पास ज्वाइन कांगड़ा एंड भरमौर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है इंद्रहार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जिस बच्चे की हिमाचल जीके दिक्कत है अच्छी नहीं है तो आप टेंशन मत लो, अपने तरीके से आपने जो जो बुक्स पढ़नी हो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी डे बाय डे हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और रही बात पेड कोर्स की, तो उसकी भी 100 रुपये से 500 के बीच आपके हैं, ताकि आप हर बच्चा इसमें सोल्यूट ले सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नेम द ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इन द हिमाचल प्रदेश, जैसा कि सबको पता ही है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, पीचर हाफ बिल्डिंग, इर्सले बिल्डिंग, बार्नस कोच या एम्सडेल। तो इसका जो है इर्सले बिल्डिंग, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग है हिमाचल में, ठीक है, उसका नाम ये है एलर्सली बिल्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायत राज एक्ट पास इन हिमाचल प्रदेश, जी हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशल पंचायती राज का जिक्र होता है, प्रीलिम्स एग्जाम की बात हो या मेंस के एग्जाम की बात हो। तो जी हाँ इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही। आप कॉमेंट में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलते हैं ऑप्शन सी 1968। तो ये है, तो ये हमारा जो जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वो पूछे गए जो एग्जामों में आए गए हैं, और इस तरीके से मैं लास्ट में बताऊंगा आपको वीडियो में अब किस तरीके से हमारी नई रणनीति होगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी सेटअप इन 1949 टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस गवर्न्ड बाय द चीफ कमिश्नर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो जी हाँ, तो जो 1949 में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस जहां पर चीफ कमिश्नर करेंगे इसको गवर्न्ड, तो वो किसकी उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इसका आंसर आएगा ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ऑप्शन बी पट्टा भी सितार मैया इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इन विच ईयर शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज एस्टाब्लिश, जी हाँ बहुत ही ईजी, काफी बार ये भी पूछा गया। तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर अगर बात की जाए तो है ऑप्शन ए 1852 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हिमाचल प्रदेश दो पार्ट में कब डिवाइडेड हुआ, शिमला और कांगड़ा मंडल के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अंदर। तो ये है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी 1979 इज द राइट आंसर। जी हाँ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द प्रेजेंट विधानसभा बिल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश कंस्ट्रक्टेड, जी हाँ ये कब बनी, जो आज की आप विधानसभा देखते हुए बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश में देखो कितनी बिल्डिंग पुरानी है, ये अपने आप में बहुत पुराना हमारा इतिहास बताती है। तो इसका आंसर आएगा 1925 ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की और। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो जमींदारी सिस्टम है
ये कब खत्म हुआ? तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये। जमींदारी सिस्टम जो बंगाल बिहार में स्टार्ट किया गया था, और किसने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कॉर्नवालिस कौन थे? वो भी ऑलरेडी इंग्लैंड के बहुत बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे। और जो जमींदारी सिस्टम था जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, वो 10 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1954-55। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन आज के। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बहुत जल्द आपको हिस्ट्री पे लेकर चलेंगे, इसी तरीके से ज्योग्राफी पर लेकर चलेंगे, और हम पार्ट वाइज पार्ट, ताकि आपका कुछ भी कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे जो छूटे और आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आएगी, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यूजीसी नेट हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता होगा जेआरएफ क्या चीज़ है, इसके बेस पे आप फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हो और यूपीएससी में भी सीधी, आपको समझ लो बहुत बड़ी बात आपके लिए होगी। और इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर वाला एग्जाम, लेक्चरशिप वाला एग्जाम भी दे सकते हो, और उसके अलावा सीएपीएफ का एग्जाम, और उसकी लास्ट जो एज होती है फॉर जनरल वो है 25 ईयर्स। तो जो भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट स्टूडेंट वो, जरूर हमें कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप करके बताइएगा कि क्या है आपकी सिचुएशन, आप किस तरीके से क्या है, उस तरीके से हम चलेंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।